अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हाफी सॉफ्टवेयर टेक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्नो पॉप 3 फोन का FRP कैसे बाईपास कर सकते हैं विदाउट PC। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अपने फोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे। मेरा फोन ऑलरेडी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। ये जीमेल की आईडी मांग रहा है, FRP लगा हुआ है। बैक आएंगे, एमरजेंसी कॉल, डबल क्लिक। ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे। मेरा ऑलरेडी नंबर ऐड है यहाँ पे, तो आप कोई भी इधर नंबर ऐड कर सकते हैं। नंबर पे क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट, शेयर, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। ऐप इन्फो, ये यहां पे आ जाएंगे SMS ऐप, ओपनिंग लिंक्स। यहां पे हम YouTube गो सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा ब्राउजर ओपन हो गया। अब यहां पे हम ऐड करेंगे, सर्च करेंगे FRPfile.com/bypass। यहां से हम गूगल अकाउंट मैनेजर 8 डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल करेंगे। बैक आके जो अभी दूसरी एप्लीकेशन है वो हमें ये इंस्टॉल करनी है, बाईपास FRP। ओपन, 3 डॉट पे क्लिक करके हम ब्राउजर पे जाएंगे। अब यहां पे आप कोई भी जीमेल की आईडी ऐड कर सकते हैं जो आपको याद हो, तो मैं अपनी आईडी ऐड करूंगा। ये आईडी हमारी ऐड हो गई है। सिंपली अब फोन को हम रीस्टार्ट करेंगे, रीबूट।
फोन हमारा ऑन हो गया, अब इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखें, ये स्किप का ऑप्शन आ गया, यहाँ से स्किप करें। एफ आर पी हमारा ख़त्म हो गया। सिंपली जैसे सेटिंग करते हैं वैसे सेटिंग कर लें। फ़ोन ऑन हो गया। फ़ोन ऑन होने के बाद सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके एक दफ़ा रीसेट लाजमी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।